हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है वो वजारीगा दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। हिंदुस्तान कौन है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अगर अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही थे, ऐसे ऐसे था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया है कि नहीं किया है। दुबई के बारे में, यूएई के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? नहीं सर, दुबई के अंदर, यूएई की एक सिटी है दुबई, अबूधाबी, उसके अंदर पहले एक मंदिर बना हिंदुओं का, हिंदुस्तान का हिंदुओं का एक मंदिर बना, अभी दूसरा मंदिर बनने जा रहा है, वो 14 फरवरी को उसकी, अगले साल 14 फरवरी को उसकी ओपनिंग हो रही है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है वो वजारीगा दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाज़त भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए, मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब अच्छा, नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है, मगर मुसलमानों को चाहिए ना कोई एहतजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी बननी है, तो क्या वो भी मना करें इस बात पर? उन्होंने एक एरिया दिया है, हर जगह पे इतनी मस्जिद बनने दे रहे हैं, सारी जगह पर मस्जिद है, जहाँ भी जिस सिटी में भी आप जाएंगे हर एक सिटी के अंदर एक मस्जिद, जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वहाँ पर मस्जिदें बनी हुई हैं, इस बात से मैं आपको कहूँगा कि ये आप अपनी दुरुस्त करें। वो गलत तो कर रहे हैं ना, मगर वो मुसलमानों को मुसलमान समझते नहीं है। अच्छा, तो अगर जब आपने कहा कि दुबई के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या हिंदुओं को हिंदू समझ रहे? समझ रहे मुसलमान है, हम उनको समझेंगे हिंदू ही है। नहीं, यूएई के अंदर मंदिर आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए, तो इस तरह उनके भी हकूक पामाल नहीं हो रहे? नहीं नहीं, उनको तो जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा। नहीं नहीं, वो हिंदू ही रहेगा, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, दुबई के अंदर, अबूधाबी के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इस तरह से क्या हिंदुओं के वो पामाल नहीं होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो कि उनका रिलीजन है, वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे क्या? वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं ना दें, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है, मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। तो मिर्जे मुसलमान, मिर्जे से पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, 7,000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर हम, मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। हाँ ऐसे ही थे, ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? तो बात तो ये है ना, आप हुक्म करें, मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैं क्यों हुक्म करूँ, मैं तो ये कहूँगा कि आपको हर एक को इजाज़त देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया, इधर ही बनाया हुआ, हमने कभी कोई इसके बारे में सोचा ही, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई ये पाकिस्तान बनने से पहले की चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।